जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ पूजा पाठ के समय बरते ये सावधानी। अगर ये तीन गलती करते रहोगे तो माता कभी कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं करेगी। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो सिर्फ काली माँ के भक्तों के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक देवी भक्त के लिए है। जो दुर्गा का भक्त है उसके लिए भी है, जो मसानी का भक्त है, चाहे किसी भी देवी का भक्त हो, ये वीडियो उसके लिए भी है। आज मैं आपको तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, यदि आप इस चीज़ों को भूल से कर भी लेते हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो ना, आपको कुछ उसका फल मिलेगा ही नहीं। आप बस अपना समय जो है वो बर्बाद करेंगे। अगर ये गलती करते रहेंगे तो जीवन में कोई मनोकामना, कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली, ना ही देवी देवता आपके कहने से कोई काम करने वाले आप लोगों का। तो देखिए आज गलतियां बताने जा रही हूँ, कभी भी भूल से ये गलती मत कर लेना, ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी हमेशा ज़िंदगी भर जब तक आप माँ भगवती की सेवा करते हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखा है कि थोड़े टाइम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उनका कभी भला नहीं होता है। जो माता की सेवा सच्चे मन से दिल से करता है, माँ से प्रेम करके, उस व्यक्ति की सेवा हमेशा सफल रहती है। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए पूजा पाठ के समय आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सभी भक्तों को बरतनी चाहिए। जितने भी देवी माँ के भक्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सभी भक्तों के लिए है, तो सभी को ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। यदि आप ये सावधानी बरत के चलेंगे हमेशा तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ये गलती जान पूछ के, या मान लो पता भी नहीं तब भी आप ये गलती कर रहे हैं भूल से, तब भी आपको इसकी सज़ा यही मिलेगी कि आप अपनी देवी शक्ति से कुछ भी मांग लेना जीवन में, वो आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही ये गलती कर रखी है, तो वो आपको कैसे मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। तो पहली गलती आपको बता रही हूँ जो कभी जीवन में नहीं करनी है। पहली गलती ये है, आप काली माँ की पूजा पाठ करते हो, देखिए रोज़ाना करो या हफ्ते में करो या महीने में करो, कभी भी करो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ाना करो या महीने में करो, आपकी जैसी श्रद्धा, जैसी आपकी भावना, आप जिस रूप में माता को पूज रहे हैं तो आप उनकी पूजा पाठ जैसे मर्जी करो, लेकिन हमेशा आपको एक कार्य करना चाहिए, जब भी पूजा पाठ करते हो तो स्नान करके ही करो, पवित्र करके करो। अगर आप अपने आप को गंदगी में रख के माता की पूजा करोगे, जोत जलाओगे, तो वो सिर्फ आपका समय बर्बाद होएगा, आपको उससे कुछ मिलना नहीं है। तो इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी देवी शक्ति है, और वो देवी शक्ति पवित्रता में आती है, गंदगी में नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी पूजा पाठ करते हो तो देखिए आप स्नान करके कीजिए, तभी आपको मंदिर में जोत जलानी चाहिए। अगर मान लीजिए आप बीमार हैं और आप पूजा तो छोड़ नहीं सकते, तो आपको स्नान करने के लिए मना किया गया है डॉक्टर ने, तो आपको क्या करना है, आपको तब भी स्नान करना है माँ काली का नाम लेके, चाहे गर्म पानी से नहाओ, लेकिन हमेशा जब भी पूजा करो तो स्नान करके करो। स्नान करके करोगे तो आप हमेशा अपनी पूजा पाठ में सफल रहोगे। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, मैंने खुद देखा है, लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम तो या शाम के टाइम मीट मछली खा लेते हैं, फिर मीट मछली खाने के बाद क्या करते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं साबुन से, और उसके बाद माता की पूजा भी कर लेते हैं। तो ये गलती यदि आप करते रहेंगे ज़िंदगी भर तो आपका कभी भला नहीं होने वाला, देवी देवता तो आपका कोई भला करेंगे ही नहीं, उसके साथ भगवान भी आपका कभी भला नहीं करेगा, क्योंकि आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। देवी देवता हमेशा पवित्रता में रहते हैं, गंदगी में नहीं रहते हैं। अभी आप सोचोगे माँ काली को तो जानवरों की बलि भी दी जाती है, देखिए माँ काली को बलि लोग दे रहे हैं, लेकिन ये तो आपको नहीं पता ना हमें पता कि माता उसे खाती है या नहीं खाती, लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, माता ने नहीं बनाई कि मुझे ये दो या वो दो, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी जीवन में माता की पूजा पाठ करते तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए।
तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वो गलती ये है कि जब भी पूजा पाठ अपने घर में करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्ट पूजा पाठ में मतलब जोत नहीं जलानी चाहिए मंदिर में डायरेक्ट। जैसे आप नहा लिए, ठीक है, नहा के सीधा मंदिर में आपने जोत जला दी घंटी बजा के, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने पूरे कमरे में, पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर फिर आपको माता की जोत जलानी चाहिए। गंगा जल छिड़क कर आप माता की जोत जलाएंगे तो माता आपके घर में प्रवेश करेगी। अगर आप गंगा जल नहीं छिड़कोगे तो माता आपके घर में जीवन में कभी नहीं आने वाली, क्योंकि आपने अपना घर शुद्ध किया ही नहीं तो माता कैसे आ जाएगी आपके घर में। तो इसीलिए ये तीन गलतियाँ जो आपको कभी नहीं करनी जीवन में, इन चीज़ों को आपको बरतना है। अगर आप इन गलतियों को करते रहोगे तो आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होने वाली ज़िंदगी में भी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। नहीं भी आया है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः।